ठीक है, ड्रिप्स वगैरह लगी हुई है, इस कान से ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये चोटें वगैरह, ये बहुत सारी ये भी आई, ये इस कान से ब्लड मुतवातर बह रहा है, मतलब अंदर कोई दिमाग वगैरह की चोटें आई हैं, मतलब सर। तो असलम भाई की जब कॉल आई ना तो यकीन कह रहे हैं कि दिल दहल गया हमारा, कि ऐसी खबर थी ना, दिल दहला देने वाली खबर थी, कि मेरा एकदम से माइंड भी अजीब हो गया। मैंने कहा यार कैसे हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो वैसे ठीक है, मज़े में माशाल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा ट्वेन व्लॉग है ना, वो जनाब स्टार्ट हुआ है, ये देख सकते हैं 6:29 पे। ठीक है, वैसे वो बंद हो गया, तो अभी हमने खाना खाना है फर्स्ट टाइम में ही, पहले क्योंकि खाना रेडी हो चुका है, गोभी पक गई है, तो वो हम खाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने हमारे साथ बैठ के खाना तो आ जाओ, क्योंकि ये देखें हमारे पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ये आप देख सकते हैं, मज़ेदार गोभी, चटपटा सा सालन और साथ में वाइट सी रोटियां। तो इसमें थोड़े थोड़े रिश्तेदार भी हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रिश्तेदार वैसे अच्छे भी नहीं होते। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, उसके बाद हम चलेंगे अपनी मजेदार वीडियो की जानिब। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं एक चीज, ये मेरा चार्जर पड़ा है और ये जाता है जनाब उधर, और फिर उससे ऊपर जाती है तार वो उधर, वहां से बिजली आ रही है और सीधा आ रही है यहाँ तक, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपने मोबाइल। ठीक है, इस चार्जर का ये फ़ायदा है कि एक ही डब्बी है, इस पर आप सी टैप लगा सकते हैं, इस पर आईफोन भी लगा सकती हैं और इस पर दूसरे भी लगा सकती हैं, मतलब जैसे रियलमी पुराने जो मॉडल हैं वो भी आप लगा सकती हैं, एट अ टाइम आप तीनों मोबाइल भी लगा सकती हैं और वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ, ऐसा नहीं है कि स्लो करेगा, क्योंकि वो जो डब्बी लगी हुई है वो पावर वाली है और रेडमी की है, इस मोबाइल की जेन्युइन। ओए जल गया, ये आप देख सकते हैं जी, टाइम हो गया है 18:31, मतलब 6:31, ये टाइम हो गया है और हम अभी खाना भी माशाल्लाह रात का खा रहे हैं, सही हो गया, अभी खाना खा लो फिर बात करते हैं, अगर आपने खाना हो तो आ जाओ, बिस्मिल्लाह। व्यूअर, जो पहली वीडियो में आपने देखा, ये चीज़ें मैं ले आया था सिद्दीक के लिए, आप देख सकते हैं इसका एक हिस्सा ये पड़ा है, एक हिस्सा कुछ ये पड़ा है, कुछ हिस्सा इसका ये पड़ा है और कुछ ये पड़ा है और कुछ वो पड़ा है और बाकी का वो पड़ा है। ठीक है, तो इसका यूँ कबाड़ कर दिया इसने, मतलब एक दो घंटों के अंदर अंदर के फना ही बोल दिया, और फिर बाद में बोलता है अब वो मेरे लिए खिलौने नहीं लेके आते, चेक करें, बच्चों का काम ही है। और असल में मसला ये है कि एक और चीज़ दिखाऊं आपको, इधर देखें ये ट्रक पड़ा है, ये मैं इसलिए ले आया था क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है। और एक बात बता, मैं दोनों के खिलौने ले आया था, वो सौतेले के लिए भी और अपने सगे के लिए भी, तो दोनों के जो वो खिलौने हैं वो ऑलरेडी टूट चुके हैं और बाकी सिर्फ ये बचता है, ये सिद्दीक इसके साथ खेलता रहता है। आपने देखा होगा कि दो ट्रैक्टर ट्रालियाँ मैंने ली हैं और एक लिया है ये ट्रक। आपकी ट्रैक्टर ट्राली भी टूट गई, ख़त्म, ये अंदर लगता नहीं है, हर बार निकल जाता है। अच्छा, इसका वो सिद्दीक का जनाब बाहर पड़ा है और इसका जो है ना ये है, ये चेक करें, ये इसकी ट्राली तो खैर सेट है, ये कुछ सेट है और इसका जो पीछे वाला टायर है ना, ये इसमें मट्टी है, हर बार निकल जाता है। हाँ, ये सुबह बना दूंगा मैं आपको इसका। खैर ये देखें, इसकी कुछ बचत हुई पड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक के लिए ले आऊँ दूसरे के लिए ना ले आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर फाइट ना हो जाएगी, बाप की और बेटों की फ़ाइट ना हो जाएगी। तो ये कुछ माहौल है जी, बाकी खिलौनों का बिखरे पड़े हैं और इसके अलावा माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहे हो। तो हम क्या बोल रहा था मैं, हाँ एक सैड न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी गुजर जाए, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। सिद्दीक आपने बोला था कि मैं खिलौने नहीं तोड़ूंगा, ये क्या हशर कर डाला, ये देख हैं, किसने किया, इधर देख किसने किया, ये किसने तोड़ा, आपे टूट गया था, आपे टूट गया था,
अच्छा ऐसे रखा हुआ था फिर आप टूट गया है। टूट गया खत्म गया। ये देखें बखेर के। अब ये सारी चीजें उठाओ ट्राली में रख के सारी अंदर रखो, फिर सुबह इनको जोड़ेंगे और फिर चलाना ठीक है। हाँ ओके इसको ऐसे रखो। नहीं वो रख लेता है तगड़ा है। चलो अंदर रखो इन सबको, सारी चीजें एक एक करके उठा के ना सारी अंदर रखो। सही हो गया ओके। यार इधर आया था अमेजान के पास और मैंने इनको बताना था कि अहमद भाई वाले उधर से आ गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम पहुंच भी सकते हैं अभी, रवाना भी हो सकते हैं, पहुंच भी सकते हैं या फिर सुबह भी आ सकते हैं। मतलब ऑप्शन पक्का पक्का जो है ना वो नहीं है। बहरहाल बोल रहे थे कि कोशिश करेंगे कि हम अभी आ जाए, क्योंकि टाइम बोल रहा है कि बस 2-3 घंटे लगते हैं आने में। अभी 7 का टाइम है, 9, 9:30, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी है ऑप्शन और ना आने का भी ऑप्शन है। और दूसरा जो दूसरी बात है ना वो एक्सीडेंट वाली, वो वीडियो भी भेजी है मेरे पास। एक्सीडेंट क्या पड़ा? हाँ उसका मैं आपको बताता हूँ व्यूअर, मैं इसकी डिटेल आपको दूंगा। पहले ये देखें, ये भेजी है वीडियो, ठीक है। ड्रिप्स वगैरह लगी हुई है, इस कान से ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये चोटें वगैरह, ये बहुत सारी ये भी आई है। हाँ तो गरीब बंदा शादा निकल बोल रहे हैं कि या मुल्तान ले जाएं, या मुजफ्फरगढ़ ले जाएं, या फिर डेरा गाजी खान ले जाएं। तो इलाज ना था ना उन्हें जवाब देता ना पहले अगु तो चावन हो मुल्तान चावन हो भाई मुजफ्फरगढ़ चावन हो। हाँ तो व्यूअर इस बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था, तो सोचा पहले अम्मी को बता दूँ, तसल्ली कर दूँ। ये बैठा है भाई, ये देखिए ये बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये देखें इसके कान से ये ब्लड आ रहा है, ये इस कान से ब्लड मुतवातर बह रहा है। मतलब अंदर कोई दिमाग वगैरह की चोटें आई हैं, मतलब सर में अंदर। तो ये ब्लड रुक नहीं रहा, सिटी स्कैन कराई है इसकी। वो बोल रहे हैं कि बस आप या मुल्तान ले जाओ या मुजफ्फरगढ़ या डेरा गाजी खान ले जाओ। तो ये कुछ मामला है, ये है बात। अल्लाह खैर करे, बस दुआ ही कर सकते हैं। और असलम भाई आपको पता है उनके साथ ही हैं, वो मशवरा कर रहे थे कि अब क्या करना है। उनके जो रिश्तेदार हैं सारे, तो वो भी आपस में, आबिद भी साथ में था और वो दूसरा कौन है, शौकत, इसका भाई है, चाचा है, भाई है, चाचा है, चाचा है ना। हाँ वो भी साथ में, चाचा है, सौरा है। हाँ वही वही, वो साथ में है और सुल्तान भी साथ में, असलम भाई भी साथ में है। पहले थे अलीपुर, नहीं पहले उच्छरीफ, फिर उच्छरीफ ले गए अलीपुर, दर सिटी स्कैन कराया। अब दोबारा से वो अल्लाहबाद बस्ती है, फिर उधर से वो बोल रहे हैं कि आप इनको ले जाएं, जितना जल्दी हो सके ना इनको ले जाएं आगे, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ का ना ऑपरेशन भी होता है। अगर अंदर कोई ज़्यादा चोटें आई हों तो फिर अब वाजह है कि ऑपरेशन करेंगे। हाँ खतरा बहुत है, मतलब कि ब्लड रुक गया सर में, जम गया तो भी खतरा। हाँ। और अगर ऐसे लगातार बहता रहा तो हाँ, भी खतरा। हाँ, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इनको ले जाएं, हो सकता है कि वो ऑपरेशन कर, हाँ वो ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद शायद वो अंदर का जो भी होगा मसला फिर वो सेट करेंगे। बस दुआ कीजिएगा, आपने नमाज पढ़ ली? अबू जान अभी पढ़ रहे हैं, वो देखे वो बैठे हैं, दुआ मांग रहे हैं वो भी, मुझे लगता है ठीक है। फिर आप वैसे अपनी लॉक्स वगैरह सारी ओके कर दीजिएगा, और चल रहे हैं कैमरे, चल रहे हैं? नहीं, चला देता हूँ ठीक है। एक बार इधर पहुँच चुके हैं अंदर, और अमेजान बिस्मिल्लाह पढ़े, ये LCD ऐसे बंद है। अभी इनको मैंने कहा आपको मैं चलाना सिखाता हूँ थोड़ा, चले
वो मैंने आपको बताया तो था, आप चलाएं, चले होता कुछ नहीं है, चले। वेरी गुड शॉट, जबरदस्त हो गया। हाँ अभी यार अब इस पे ना कैमरे वगैरह वो सारे सीखना पड़ता है ना। इसका बस यही ऑप्शन है, आपने इसको अभी आप दोबारा अगर दोबारा इसको क्लिक करेंगे ना वो बंद हो जाएगी। इधर रेड बत्ती जल रही होती है, इधर रत्ती। अब ये देखें सावी हो गई है, जब तक ये सावी है मतलब ग्रीन है तो फिर ये सही रहेगा। अब ये चल जाएगी, थोड़ी देर बाद सारे कैमरे आ जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे के सारे चल गए हैं या नहीं चल गए हैं। वो शिट, ये देखें कुछ इस तरह से माहौल बन गया। तो अब ऐसा करते हैं, वो देखें वो कैमरे आ गए हैं ना अम्मी वो कोने में। अब इनको पता है क्या करना होता है, आप इनको ये करें जैसे खड़ी है, आपने ये सेंटर वाले को दबाना है, ये हाँ ये जो सेंटर वाला है इसको ऊपर करके एक दफ़ा दबाएं, ऊपर करके बस ये आ गए। अब देखें बस ये दो काम होते हैं, ये हो गया। वो देखें व्यूअर कैमरे में, वो सामने देखें मैं भी नज़र आ रहा हूँ, वो किधर 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 किधर, हाँ ये खड़ा हूँ, ये देखें ठीक है। और ये बाहर बंदा कोई जा रहा है, वो देखिए ये है उधर, मुझे लगता है कैमरे के ऊपर थोड़ा सा जाला आया हुआ है, उसकी हम सेटिंग कर देते हैं और फिर सारा माहौल यस हो जाएगा। मेरी गली भी नज़र आती है सारा, तेरी गली तो वहाँ नज़र आती है। हाँ ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली, ये मेरी गली, मेरा गेट सारा, ये टोटल वो गेट सारा वो भी नज़र आया। हाँ वो भी नजर, और इधर से भी उधर से भी ये सारा कवर हो जाता है। बस अब टेंशन नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा। वैसे भी मैं जागता रहता हूँ, मैं भी जागता रहता हूँ और असगर भाई भी जागते रहते हैं, सब होते हैं। वो बोल रहे, वो बोल रहे थे कि सिक्योरिटी वाला आ रहा है, आया नहीं आज का बोला था। नहीं मैंने पता, मैं तकरीबन आ गया होगा, आ गया होगा। हाँ तकरीबन उधर अस्कर भाई के घर में आ गया होगा, है ना। फिर टेंशन भी नहीं है, वो सारी रात माशाल्लाह जागता ही रहता है। चलें जी चलते हैं वापस, और मजीद डिस्कस मैं आपके साथ करूँगा उसके भाई भाई के बारे में भी, और क्या हुआ है उसे, कैसे हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो असलम भाई की जब कॉल आई ना तो यकीन करें कि दिल दहल गया हमारा, कि ऐसी खबर थी ना, दिल दहला देने वाली खबर थी, कि मैंने मेरा एकदम से माइंड भी अजीब हो गया। मैंने कहा यार कैसे हो सकता है, फिर मैंने उनसे डिटेल ली मुकम्मल, और कुछ डिटेल आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया कि कैसे, बाकी ये बताना है कि कैसे हुआ है और क्या क्या हादसा पेश आया है और वो लगता क्या है हमारा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक हो गया अभी? ठीक है अम्मी, खाना खा लिया? अब तेरा तो खा लिया, माँ के मैं नमाज पढ़ के फिर खाऊंगी। चले सही हो गया। ओ आलू मटर से खा लिया उन्होंने? नहीं आधी रोटी सिर्फ खाई, आधी रोटी गोभी के साथ। अच्छा थोड़ी थोड़ी लाते, दूध के साथ नहीं खाते? अमरूद के साथ, दूध दूध के साथ नहीं खाता, दूध होने में पिएगा, गोली खाएगा। चलें जी, चलें जी, उनकी मर्जी है, वो जैसे खाएं पिए मौजें करें। तो हम चलते हैं अभी वापस, और अम्मी जान ने शायद ये सारा सिस्टम भी बंद करना होगा इन्होंने, या भी नहीं करेंगे, अभी देर है, अभी आमदोरफ्त लगी रहती है। तो चलते हैं अभी वापस घर, और बाकी की बातें बाद में। ओके, ये कुछ नज़ारा है आजकल बाहर का, और ये देखें हम बिल्कुल माहौल ज़बरदस्त यस है। और मैं रात के टाइम ना काफ़ी देर तक असगर भाई भी और मैं भी और आज सिक्योरिटी वाला भी मौजें करेंगे छतों के ऊपर। सही हो गया ना? चलें जी आगे बढ़ते हैं, और बाकी की जो डिस्कस है ना वो बाद में करते हैं। एक्टिविटी जो है ना वो पैदा नहीं हो रही है, बाकी तसल्ली दी है कि जो जो चीज़ें मतलब ज़रूरी थी, और बंदा आपने ख़ुद देखा कि वो उठ के बैठा हुआ था, माशाल्लाह बड़ी हिम्मत है उसकी, और उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी, उसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करता हूँ कि उसमें छोटी बच्ची उसका क्या बना है। ठीक है चलते हैं घर और बताता हूँ। पहले पहले व्यूअर हम बैठ चुके हैं अपने रूम में, और आपने जिस भाई की वीडियो देखी, जिस भाई की आपने पिक्चर देखी, मतलब ये वाला, ये आप देख सकते हैं, सही हो गया। तो इसका हुआ है एक्सीडेंट, और यूँ समझ लें कि हमारा इनसे जो रिश्ता है ये कज़न है हमारे, और मेरा जो साला है उसकी घर वाली का भाई है ये, मतलब छोटा छोटा जो मेरा छोटा छोटा जो साला है जिसकी हाल ही में शादी की थी हमने, शबाज़ भाई,
तो उसकी घर वाली का ये भाई है सगा। तो ये आ रहे थे खानपुर, इधर ही आ रहे थे, मतलब इनके हमारे रिश्तेदार और भी बैठे हैं बहुत सारे, तो उधर भी आते हैं, इधर हमारे घर में भी आते हैं। तो वो आ रहे थे खानपुर मोटरसाइकिल पे, और इनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो कि इनकी बेटी है, सही है। वो आ रहे थे उच शरीफ पर, ना उच शरीफ जैसे मतलब सीधे होते हैं ना, उच शरीफ पुल के साथ ऐसे चुन्नीकोट रोड है, मतलब वन वे रोड है, मोटरवे भी बोलते हैं। खैर उधर जैसे इन्होंने सीधा रास्ता लिया, उधर के जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी के साथ लगे नहीं है, लेकिन रोड के ऊपर अचानक से गिर गया, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, हमने ऑप्शनली तौर पर ये सोचा कि हो सकता है कि जो बच्ची साथ में थी उसको नींद आई हो, आगे बच्चे बैठे होते हैं ना फिर वो बहुत ज़्यादा नींद करते हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ अलीपुर, आपको पता है सुबह सुबह के टाइम निकलता हूँ ताकि रास्ते में बच्चों को नींद ना आ जाए, खासकर बाइक पे, हो सकता है उसको नींद आ गई हो, या फिर हो सकता है कि मोटरसाइकिल की कोई भी छोटी मोटी खराबी, हैंडल का मसला आ सकता है, चैन का मसला आ सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, ये सवारी ही ऐसी है। तो ये रोड पे गिरी, आप स्पीड का पता नहीं है कि कितना थी कितना नहीं थी, बहरहाल ये हुआ कि जो छोटी बच्ची थी उसको भी इधर कुछ रगड़े आई हैं, कुछ इधर आई हैं, और कुछ टांगों वगैरह पे भी, वो छोटी सी बच्ची है तो आगे ही बैठी हुई थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आगे बैठी हुई वो कितना उम्र की होगी, जैसे दीक है इतना उसकी उम्र होगी। तो वो जो बच्ची है माशाल्लाह, वो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, वो बिल्कुल सही सलामत है, मतलब उसको रगड़े वगैरह तो आई हैं, तो मज़ीद उसका भी टेस्ट वगैरह कराया है उन्होंने, एक्सरे वगैरह, बाजू टांग ये वो सारी चीज़ें चेक चुक की हैं, वो माशाल्लाह बिल्कुल सेट है और वो अभी घर है। और बाकी मैं आपको कंप्लीट बता रहा था, असलम भाई वाले आपको पता है अलीपुर गए हुए हैं, तो वो उनकी आज तैयारी थी वापस घर आने की, क्योंकि कल स्कूल है शायद या फिर छुट्टियां हो गई हैं, खैर उन्होंने वापस तो आना था। तो खबर मिली कि ऐसा वैसा कुछ हो गया है, भाई गिर गए हैं बाइक से, तो उनको लेके आना है, चूँकि वहाँ के उस शरीफ में जो मकामी लोग हैं उन्होंने जल्दी जल्दी से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया था। उस शरीफ में जो तिब्बी इमदाद होती है जो फ़ौरन दी जाती है, वो उसकी वो भी ट्रीटमेंट हो चुकी थी। तो असलम भाई ने फिर उनके साथ अपनी कार पे, सुल्तान असलम भाई और उधर मेरा एक कज़न है आबिद, वो हो गया, और उसके साथ उसका चाचा, मतलब लड़के का जिसका जो गिरा है उसका चाचा भी साथ में, शौकत, अभी मैं नाम ले रहा था, वो कार पे आए हैं और उसको फिर ले गए अपने अलीपुर में। अलीपुर जाकर उन्होंने कहा कि इसकी सिटी स्कैन कराओ सर की, तो सिटी स्कैन उन्होंने कराई है, फिर वो रिपोर्ट जाकर हमारा इलाका है जहाँ पर हम रहते हैं गांव में, उधर माशाल्लाह अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, ऐसा नहीं है कि वो है विलेज, लेकिन वहाँ पर माशाल्लाह डॉक्टर बड़े काबिल हैं, MBBS हैं, और हर तरह की वहाँ पर तिबी मतलब ये मेडिकल का सारा प्रोसेस मिल जाता है, जैसे देखें अलीपुर में मिल गया, जतोई में भी हर तरह की सहूलियात होती हैं। खैर वो वहाँ पर उसको ले गए, तो डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट देखी उसने ECG वाली, MRI ECG सिटी स्कैन की जो थी, उन्होंने कहा दिमाग की ये सारी करा लो। जब उन्होंने ये रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बोला कि भाई आप इसको ना ले जाएं, या मुल्तान निश्तर में जाएंगे, या और भी मुल्तान में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएंगे, या फिर मुजफ्फरगढ़ में तुर्की अस्पताल है उधर भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारी है सरकारी सतह पर भी प्राइवेट भी, इसके अलावा डेरा गाजी खान ले जाएं DG के, वहाँ पर भी आप लेके जा सकते हैं, उधर भी वैसा है सरकारी सतह पर भी है हॉस्पिटल और साथ में प्राइवेट भी हैं। फिर लास्ट टाइम में मेरी यही बात हुई थी उनसे, वो वीडियो भी फिर भाई ने सेंड की है, आपको पता है उसका जो कान है ना तकरीबन ये ऐसे बैठा हुआ है जैसे मैं बैठा हूँ, तो लेफ्ट साइड का जो उसका कान है उससे लगातार ब्लड बह रहा है, मतलब बह रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं बह रहा है और बहुत कम भी नहीं बह रहा है, लेकिन बह रहा है, कान के अंदर से आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ब्लड रुक जाता है, सब भी इस चीज़ से गुजरे होंगे, अल्लाह पाक माफ़ करे, लेकिन जो डॉक्टर्स रहते हैं वो भी देखते हैं वीडियोस वगैरह, तो अगर ब्लड रुक जाता है, अंदर कोई मसला हुआ है किसी नस का, रग का,
या कोई भी किसी तरह के अंदर की जो चोट होती है, अगर वहाँ पर किसी किस्म का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सर में जो होती है बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत नाजुक नाजुक सी चीज़ें होती हैं सर के अंदर, इसलिए अल्लाह पाक ने देखे ना सर को कितना मजबूत रखा हुआ है। तो वो ब्लड अगर जम जाता है तो भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और अगर ब्लड इस तरह से बहता रहा फिर भी तो बंदे का ब्लड ख़त्म हो जाएगा बॉडी में, तो कैसे होगा, वो भी ख़तरा है। तो ये कुछ सीन है और ये कुछ मामलात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और अभी मैं वीडियो का एंड करूँगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और उसकी एक और थोड़ी सी डिटेल बताता चलो, अम्मी जान भी बोल रही थी, वो हमारे इलाके में जितने भी लोग हैं, कुछ हैं अच्छे भले हैं लेकिन अक्सरियत जो है ना, अक्सर वो कुछ वो हस्ती नहीं रखते, वो उनके पास वो वैल्यू नहीं है कि यार किसी के घर में पैसे जमा पड़े हों, ऐसा नहीं है। तो उनके लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है, और साथ में ये है कि जो लोग उनके साथ हैं, अब वो मशावरत कर रहे थे, अब घर में यही होता है कि कोई बकरियां होती हैं, कोई जानवर वगैरह होता है, अल्लाह पाक से दुआ है कि इस हद तक काम ना जाए कि उनका किसी भी मतलब ये माशी तौर पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, इस तरह का कोई सीन ना हो, अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, ठीक है जी। और इसके बाद वो अब मशावरत करके, शायद मैंने फिर असलम भाई को बोला है कि आपने मुझे कॉल में या मैसेज करके ज़रूर बताना है, जो भी आपकी सलाह बने, मतलब जहाँ पर भी आपने जाना हो, जो भी चीज़ हो आपने मुझे ज़रूर बताना। वीडियो बंद करने के बाद फिर इंशाल्लाह उनसे बातचीत करेंगे और उसका वो पूछेंगे, मरीज़ का भी पूछेंगे और उसका भी पूछेंगे कि क्या बना है। तो ये आज का था हमारा व्लॉग, और इसमें कोई हैप्पीनेस तो खैर नहीं थी, और कभी कभी ऐसा हो जाता है। पहली वीडियो में आपने देखा कितना हैप्पी माहौल था, और अब दूसरी वीडियो में देखें अचानक कैसे कैसे माहौल बदल जाते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हर मुसलमान जितने भी मुसाफिर हैं, या चाहे बीमार हैं, या कोई भी जहाँ पर भी है, अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी को दूर फरमाए। कोई अगर सफ़र में है तो अल्लाह पाक उनको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे, और अगर कोई बीमार है तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमाया, और अगर कोई किसी भी काम नेक काम के लिए, किसी नेकी के लिए, किसी नेक मकसद के लिए कोई काम कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता फरमाए। हमारी सब के लिए यही दुआ है, आप सब ने भी उस भाई के लिए ज़रूर दुआ करनी है। अभी दे मुझे इजाज़त, रखिएगा दुआ में याद, और सुबह इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल के साथ उनका क्या बना क्या हुआ ये सब मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करूँगा, क्योंकि अभी हमने रबते में रहना है। तो बाकी देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, रखिएगा दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।